हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आप लोगों के लिए फॉरेस्ट रेंजर और रेस्क्यू से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स लेकर आया हूँ, जिसमें पहली दो घटनाएं फॉरेस्ट रेंजर से रिलेटेड है और तीसरी घटना लीजा के भाई बहनों के साथ घटी घटना पर रिलेटेड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि लीजा कौन है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ, तो आप इस वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मिस्टीरियस कंटेंट और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप तीसरी घटना सुनने से पहले पहला वीडियो जरूर देख लें। और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी है और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। मेरा नाम बैरिस है। मैं US के नॉर्थ बॉर्डर पर एक बड़े से डेंस माउंटेन का फॉरेस्ट रेंजर था। ये घटना है 1990 की। मेरी ड्यूटी का टाइम सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक था और उसके बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है और मेरा एक पार्टनर है जिसका नाम है ड्रॉन। हम दोनों उस एक पोस्ट पर ही ड्यूटी करते थे। मेरी शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक होती थी और उसकी शिफ्ट ठीक मेरे बाद शाम के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। हम दोनों बारी बारी अपना काम करते थे। रोज़ की तरह मैं अपनी ड्यूटी का टाइम कंप्लीट करके अपने रूम में वापस आ गया और आराम करने लगा। ज़्यादा लोग वहाँ पर कैंपिंग या हाइकिंग करने नहीं आते थे क्योंकि डेंस माउंटेन बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते थे, इसीलिए लोग आना कम पसंद करते थे या बहुत कम ही लोग आते थे। मैं और ड्रोन ज़्यादातर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। हम पूरे दिन में एक दूसरे से तभी मिलते थे जब हमारी शिफ्ट चेंज होती थी और उसके बाद मैं पूरा दिन और पूरी रात अकेले ही रहता था। मैं जहाँ पे रहता था, मेरी फैमिली वहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। नेटवर्क ना होने की वजह से बात बहुत ही ज़्यादा कम होती थी। मैं और ड्रोन ज़्यादातर एक दूसरे से वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट करते थे। मैं कभी कभार शाम के टाइम जंगलों का एक दो चक्कर लगा लिया करता था ताकि किसी को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उनकी मदद कर सकूं। मैं अपने रूम में आकर अपना डिनर कर लिया और फिर सोने चला गया। मैं सोने वाला ही था कि करीब 10 बजे मेरे वॉकी टॉकी पर ड्रोन का एक मैसेज आया। बैरिस, कहाँ हो? डू यू कॉपी? बैरिस, डू यू कॉपी? मेरी नींद तुरंत खुल गई और मैं तुरंत अपने वॉकी टॉकी से जवाब देने लगा, यस आई कॉपी। क्या हुआ? उधर से ड्रोन ने मुझको बताया, एक लड़का जिसने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है और उसके पास रेड कलर का एक बैग है, वो मिसिंग है। ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसे किसी के खो जाने की कंप्लेन आई है। मैंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी और उसको ढूंढने के लिए माउंटेंस की तरफ चला गया। काफ़ी अंधेरा था वहाँ पर और मुझको कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी पर ड्रोन से उस आदमी को लास्ट टाइम देखे जाने की लोकेशन के बारे में पूछा और उधर से जवाब आया, उसको सबसे बड़े पेड़ के पास देखा गया है। आई रिपीट, उसको सबसे बड़े पेड़ के पास देखा गया है। ये सब मुझको समझ नहीं आया। यहाँ पर तो बहुत से पेड़ थे जो काफ़ी बड़े थे। ये दी हुई लोकेशन मुझको सच में समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सबसे बड़ा पेड़ तो जंगल के अंदर की तरफ ही है, तो मैं उसको ढूंढने जंगल के काफ़ी अंदर चला गया। इससे पहले मैं जंगल के इस हिस्से में पहले कभी नहीं आया था। मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। मैं वहाँ से वापस जाने लगा, तभी एक पेड़ के पास मुझको कोई बैठा हुआ दिखा। वो ज़मीन पर बैठा हुआ था और ज़मीन को खोद रहा था। मैंने उसको देखा और उसको आवाज़ दी लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। मेरे पास मेरी टॉर्च थी तो मैं उसको लेके उसकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैंने देखा तो वो ग्रीन शर्ट पहने एक लड़का था जिसके पास लाल रंग का बैग था। मैंने उससे पूछा कि सर आपका नाम क्या है? उसने मुझको एकदम घबराई हुई नज़रों से देखा, जैसे कि उसने कुछ अजीब सा देख लिया हो। मैंने उससे दोबारा पूछा, सर आप क्या अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर आए थे और खो गए हैं या रास्ता भटक गए हैं? उसने फिर कोई भी जवाब नहीं दिया और एकदम शांत था। मुझको सच में वो अब बहुत अजीब लगने लगा था। मैंने उसके कंधे को छुआ और फिर उसको हिलाते हुए पूछा। उसने उन्हीं बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा
और जवाब दिया, हाँ। वो जवाब ऐसे दे रहा था जैसे कि कोई रोबोट हो या कोई मशीन जिसके अंदर कोई आंसर प्रोग्राम किए गए हों। मैंने उसको बोला, ठीक है, आप चिंता ना करिए, मैं आपको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये बात मैंने थोड़ा हिचकिचा के बोली। उसने बोला, ओके। मैंने उसको अपने पीछे आने के लिए बोला और वो मेरे पीछे आ रहा था और मैं वॉकी टॉकी पर ड्रोन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं ड्रोन को बार बार कॉन्टैक्ट कर रहा था लेकिन उसका उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मैं बार बार वॉकी टॉकी पर बोल रहा था कि वो लड़का मुझे मिल गया है। आई रिपीट, वो लड़का मुझे मिल गया है। वो थोड़ा अजीब है, तुम जल्दी से बेस पर पहुँचो, मैं भी वहीं पर पहुँच रहा हूँ। मैंने ये बोला और उसके बाद भी उधर से ड्रोन का कोई भी जवाब नहीं आया। वो आदमी मेरे ही पीछे चल रहा था लेकिन उसने मुझसे एक बार भी बात नहीं की और ना ही कुछ पूछा। फिर मैंने उससे पूछा कि आप खो कैसे गए, क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं। उसने मेरे किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप चल रहा था। मुझको ये आदमी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। चलते चलते मैंने ड्रोन से बार बार कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उधर से उसका कोई भी जवाब नहीं आया। करीब 30 मिनट बाद मैं अपने बेस पर पहुंच गया और वहां पर ड्रोन अभी तक नहीं आया था। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। मैंने ड्रोन से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो अभी तक ऑफलाइन ही था। हमारे पास एक छोटा सा ट्रक भी था जिससे हम सामान को लाया और ले जाया करते थे। मैंने उस आदमी को उसी ट्रक के पीछे बैठने को बोला। वो चुपचाप बिना कुछ बोले जाके ट्रक में बैठ गया। मैंने उसे बोला कि आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जब वो ट्रक में बैठ रहा था तो उसकी उंगलियों में मट्टी लगी हुई थी जो उस वक्त खोद रहा था। मैं उससे पूछना चाह रहा था लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता था वो इस बात का भी जवाब नहीं देगा। मैं उसके लिए पानी लेने के लिए ऑफिस के अंदर चला गया। मैं अंदर से पानी लेकर आया और उसको पानी दिया। पानी देते वक्त मैंने उसे पूछा कि आखिर आपकी मिट्टी कैसे लगी, आप वहाँ पर क्या खोद रहे थे। वो फिर से शांत चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने भी उसको इग्नोर किया और ट्रक के आगे बोनट पे जाकर बैठ गया। मैंने वॉकी टॉकी को बोनट के ऊपर रखा और ड्रोन का इंतज़ार करने लगा। मैं चुपचाप सिगरेट पी रहा था तभी वॉकी टॉकी पर ड्रोन का एक मैसेज आया। मैंने तुरंत उसको जवाब दिया और उससे बोला कि मैं काफ़ी देर से तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो, मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, मैं तुम्हारा बेस पर इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी उधर से ड्रोन का एक मैसेज आया, मेरा वॉकी गिर गया था, मुझको वो आदमी मिल गया है, वो जंगल के ईस्ट साइड में फंस गया था, उसको थोड़ी चोट भी आई है, अब मैं उसको लेकर बेस पर पहुँच रहा हूँ, ओवर। एक मिनट, शायद मुझको सुनने में कोई दिक्कत हुई है। मैंने उससे पूछा, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो। मेरे पास फर्स्ट एड किट है, उस आदमी को चोट आई है, वो मुझे मिल गया है, मैं उसको लेकर बेस पे पहुंच रहा हूँ, ओवर। तभी मैंने ड्रोन को बताया कि मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है और इसीलिए मैं तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो आदमी अभी ट्रक में है। तभी ड्रोन ने मुझसे बोला, रिपीट। मैंने बताया कि वो आदमी ट्रक में है, मुझे वो मिल गया है। तभी ड्रोन ने मुझसे दोबारा पूछा, क्या ट्रक लॉक है। मैंने उसको बोला नहीं। उसने मुझसे बोला कि ट्रक को लॉक करो और वहां से निकलो। उसके इतना बोलते ही कनेक्शन टूट गया और मुझे उसकी आवाज़ दोबारा नहीं आई। मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। अब मैं सच में थोड़ा घबरा गया था। मैंने उस आदमी को आवाज़ दी लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे ट्रक के बैक साइड की तरफ जा रहा था। मुझको थोड़ा अजीब लगा तो मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली और ट्रक के पीछे साइड में एक एक कदम बढ़ाते हुए जा रहा था। मैं ट्रक के पीछे साइड बढ़ते हुए अपनी गन को उसकी तरफ पॉइंट किया हुआ था। मैं उसको बुलाते हुए ट्रक की तरफ बढ़ रहा था लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मैं तुरंत ट्रक के बैक साइड पर पहुंचा लेकिन वहां पर वो आदमी नहीं था। वहां पर सीट पे वही पानी की बॉटल रखी हुई थी जो मैंने उसको दी थी। उसके बाद मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वहां से जाने का एक ही रास्ता था और उस पर मेरी नज़र हर वक्त बनी हुई थी लेकिन वो उस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं गया था और गायब भी हो गया था। मैंने उसको चारों ओर ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैंने उसको ऑफिस के अंदर भी ढूंढने की कोशिश की
लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। उसके बाद मैं ट्रक के ऊपर चढ़ गया और ऊंचाई से उसको ढूंढने लगा, लेकिन वो नहीं मिला। उसको गायब हुए 25 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और मैं ट्रक के ऊपर ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद ड्रोन उसी आदमी के साथ आया जो खो गया था। ड्रोन ने मुझसे आते ही पूछा वो कहाँ है, और मैंने उसको बताया कि वो अचानक से गायब हो गया। मैंने उसको ट्रक के पीछे बैठाया हुआ था। फिर ड्रोन ने मुझको देखा और उसने बोला कि उसको ढूंढो। हम दोनों ने मिलकर उसको बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ देर बाद मैंने ड्रोन से पूछा कि आखिर वो कौन था और तुमने मुझे उससे दूर रहने को क्यों बोला, और उस आदमी की शक्ल खोए हुए आदमी से कैसे मिल रही थी। ड्रोन ने मुझको कुछ भी नहीं बताया, वो बस शांत था और उसने मुझको बोला कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। ये बोल के वो उस आदमी को लेकर ट्रक में बैठ के चला गया, और फिर इस चीज़ पर मेरी ड्रोन से कभी बात नहीं हुई। करीब एक महीने बाद मैंने ड्रोन से दोबारा पूछा कि याद है एक महीने पहले जो आदमी मुझको मिला था और फिर अचानक से गायब हो गया था, मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? वो शांत था, उसने उस बारे में फिर से कुछ भी नहीं बोला। मैंने उससे दोबारा बोला कि बताओ आखिर क्या बात थी। तब ड्रोन ने काफ़ी डरते हुए बताया कि एक साल पहले एक बार ऐसे ही वो रात में अपनी ड्यूटी कर रहा था। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे और उसको रूम के बाहर से अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। ये बड़ी ताजुब की बात थी क्योंकि उसका कुत्ता तो अंदर सो रहा था। उन्होंने जब रूम से बाहर निकल कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो दोबारा अपने रूम के अंदर आ गए। रूम के अंदर आते ही उनको अपने नेबर्स और परिवार वालों की आवाज़ आने लगी जो उस टाइम उनसे 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। उन्होंने और उनके कुत्ते ने दोनों ने वो आवाज़ सुनी और दोनों लोग घर के तुरंत बाहर निकले। तभी उनके कुत्ते ने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि हूबहू उनके पिता जैसा लग रहा था। उसके पिता को देख के उनका कुत्ता उनके पीछे भाग गया और फिर वापस ही नहीं आया। उन्होंने अपने कुत्ते को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। उस दिन के बाद से ये अजीब सी परछाई उनको कई बार दिखी, वो भी अलग अलग भेस में, वो भी रात में। लेकिन उस परछाई ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने ये भी बताया कि वो जंगल का कोई पिशाच है या भूत है जो कभी कभी लोगों को दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर रात में। और उस घटना के बाद से मुझको वो कभी भी नहीं दिखाई दी और मेरा कुत्ता आज तक मुझे नहीं मिला। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको फॉरेस्ट रेंजर की दूसरी घटना बताने वाला हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट पाइन है और मेरे जितने भी जूनियर हैं मुझे लेफ्टिनेंट कह के बुलाते हैं। यह घटना तब की है जब मैं शुरुआत में फॉरेस्ट रेंजर बना था। उस वक्त मैं जूनियर था। काफ़ी पुरानी घटना है ये। 1970 में मेरी पहली बार पोस्टिंग यूनाइटेड स्टेट के सदर्न रीजन में अलबामा में हुई थी। वहाँ पर अक्सर लोग कैंपिंग या हाइकिंग के लिए आया करते थे और पास में ही कस्बे बने हुए थे और कुछ गांव भी थे जहाँ के लोग अक्सर जंगलों में जाया करते थे। मेरी पहली पोस्टिंग के दिन ही हमारे पास एक आदमी आया जो कि यहीं पास में ही एक कस्बे का था। उसने बोला कि उसकी 10 साल की बेटी अचानक से खो गई है। हमने उससे पूछा कि आखिरी बार उसको कहाँ पर देखा था, तो उसने बताया कि जंगलों के पास वो अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते पहुँच गई थी और फिर वहीं से गायब हो गई। हमें जैसे ही इस बात का पता चला हमारी टीम अलर्ट हो गई और मुझको मिला के कुल 12 लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए जंगलों के अंदर चले गए। हमने शुरुआत उस जगह से की थी जहाँ पर आखिरी बार उस लड़की को देखा गया था। हमें दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जिस जगह पर वो गायब हुई थी वहाँ पर कोई भी जंगली जानवर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हमको ये पता चले कि उसको आखिर हुआ क्या है। हम अभी तक यही मान के उसको ढूंढ रहे थे कि वो अपना रास्ता भटक गई है और हमको उसको ढूंढना है। हमको उसके खोने की इन्फॉर्मेशन शाम को 7 बजे मिली और हम रात के 11 बजे तक उसको ढूंढ ही रहे थे। तब तक हमारी एक और टीम आ गई थी जो उस जंगल को काफ़ी अच्छे से जानती थी। हम सब मिलके उस बच्ची को ढूंढ रहे थे। हम सब जंगल के उस हिस्से में काफ़ी अंदर तक चले गए जहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। उस जंगल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी लेकिन हमारे लेफ्टिनेंट ने बोला था कि कुछ भी अगर अजीब चीज़ दिखे तो हमें उनको रिपोर्ट करना है। कुछ देर बाद मुझको एक पैर के निशान दिखा। वो किसी इंसान के पैर का निशान तो नहीं लग रहा था। मैंने उसके बारे में तुरंत ही अपने लेफ्टिनेंट को और बाकी साथियों को इन्फॉर्म किया।
वो निशान चलते हुए जंगल के अंदर की तरफ गए थे। जब हम उस निशान का पीछा कर रहे थे तो मैंने अपनी टीम के कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। वो बात कर रहे थे बिगफुट के बारे में। उनमें से कई लोग बोल रहे थे कि वो निशान किसी और के नहीं बिगफुट के हैं और उस लड़की को बिगफुट उठा के लेके गया है। तब मैंने पहली बार बिगफुट का नाम सुना था, लेकिन उनकी बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। काफ़ी आगे जाने के बाद हमको कुछ भी नहीं मिला। 12 से 13 घंटे में ही हम सब ने पूरे जंगल को छान लिया था, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। जब हम वापस लौट रहे थे तो हमारी रिसर्च टीम को एक कपड़े का टुकड़ा मिला। हमको लग रहा था कि शायद वो कपड़े का टुकड़ा उसी बच्ची का है। हम उस टुकड़े को तुरंत लेके उस बच्ची के माता पिता के पास गए और जब उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये कपड़ा उन्हीं की बेटी का है। उनके ऐसा बोलते ही हमने उसकी तलाश दोबारा चालू कर दी, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। करीब 3 दिन तक हमने उस लड़की को तलाश किया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। काफ़ी ढूंढने के बाद रिकॉर्ड्स में उस लड़की को मरा हुआ घोषित कर दिया गया और उसको ढूंढने का सारा काम भी बंद कर दिया गया। सबने यही समझा कि उसको कोई जंगली जानवर उठा के ले गया है और उसके केस को अचानक से गायब हुए लोगों के रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया और फाइल बंद कर दी गई। करीब 2 महीने बाद हमको एक खबर मिली। वो खबर ये थी कि वो लड़की अचानक से अपने घर लौट के आ गई है। जैसे ही हमको ये रिपोर्ट मिली, मैं और मेरे सीनियर पूछताछ करने के लिए उसके घर दोबारा गए। उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हमने उसके माँ बाप से रिक्वेस्ट करके उससे पूछताछ करने की परमिशन ली और तब हमने उससे पूछा। हमारे कई बार पूछने पे उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, वो बहुत बड़ा जानवर था, वो मुझको खा जाता। उसने बस इतना ही बोला। हमने साइकियाट्रिस्ट की मदद भी ली तो उसने बताया कि वो लड़की किसी चीज़ को देख के काफ़ी डरी हुई है और ठीक से उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जब जब उसको याद करती है वो घबरा जाती है। इस एज पे उस बच्ची के ऊपर ज़्यादा मेंटल लोड डालना सही नहीं था, तो हमने उससे पूछताछ करना भी बंद कर दिया। लेकिन हमें कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं मिला था, तो हमारी टीम ने उस एरिया को दोबारा छानने की कोशिश की और हमें कुछ पैरों के निशान मिले। वो निशान ना ही किसी जानवर के थे और ना ही किसी बच्चे के, वो अपने आप में ही काफ़ी बड़े निशान थे, जैसे किसी बिगफुट के निशान हो। उस बच्ची के साथ क्या हुआ और उसने ऐसा क्या देखा और वो वापस कैसे आई, इन सारे सवालों के जवाब उस बच्ची को ही पता थे और वो हमें कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं थी। हमने फिर उस फाइल को बंद कर दिया और कुछ महीनों बाद मेरा पोस्टिंग एरिया भी बदल गया। जंगल में मिले बड़े पैरों के निशान को देख के सब यही बोल रहे थे कि वो किसी बिगफुट के पैरों के निशान हैं। उन निशानों की फ़ोटोग्राफ मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और अगर किसी रीज़न की वजह से मैं उन फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड नहीं कर पाया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी उन फ़ोटोज़ को ले सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरी घटना पे। ये तीसरी घटना लीसा के भाई बहनों के अचानक से गायब हो जाने के बारे में है। अगर आपने अभी भी लीसा के साथ घटी घटना को नहीं सुना तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। मेरा नाम लीसा है और मुझको ये जानना है कि आखिर मेरे भाई बहनों के साथ हुआ क्या था। मैंने अपने घर वालों से बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे छोटे भाई बहनों को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। मैं अक्सर अपने दादाजी के साथ सुबह वॉक पर जाया करती थी और मेरे साथ घटी इस घटना के करीब 5 साल बाद मुझको ये पता चला कि मेरे भाई बहनों के साथ आखिर हुआ क्या था। मैं तब 18 साल की हो गई थी और दादाजी से बार बार पूछा करती थी। मेरे 18वें जन्मदिन में दादाजी ने मुझको एक एल्बम दिया जिसमें मेरे बड़े भाई बहनों की फ़ोटो थी। मेरे भाई का नाम फेथ था और बहन का नाम कैटी। उस दिन दादाजी ने मुझको बताया कि मेरे भाई बहन जंगल में अचानक से गायब कैसे हो गए। ये घटना है 1980 की, तब मेरी उम्र 2 साल की थी। अब आगे की घटना मैं आपको अपने दादाजी के नज़रिए से बताऊंगी। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि तुम्हारे अंकल की जॉब लग गई थी। सारी फैमिली घर से थोड़ा बाहर पिकनिक मनाने आई थी। जिस जगह पर अभी हम रहते हैं वहाँ पर पहले हमारी ज़मीन थी। हम लोग वहाँ पर अक्सर आया करते थे क्योंकि हमें उस जगह पिकनिक करना अच्छा लगता था।
फेथ और केटी अपने दूसरे भाई बहनों के साथ खेल रहे थे। वो सब मिलके फ्रिस्बी खेल रहे थे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रिस्बी एक गेम होता है जिसमें लोग एक दूसरे की तरफ एक प्लास्टिक की डिस्क फेंकते हैं और पकड़ते हैं। खेल खेलते टाइम हम सब उनको अपने पास बुला रहे थे क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर चले गए थे। तब जंगल के पास वो लकड़ियों की फेंस नहीं लगी हुई थी और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा घना और शांत था, इसलिए हम लोग यहाँ पर कभी कभी पिकनिक मनाने आ जाते थे। फेथ ने जब कैथी की तरफ फ्रिस्बी फेंका तो वो उसको पकड़ नहीं पाई, जिसकी वजह से वो फ्रिस्बी जंगलों के अंदर चली गई। फेथ उसको ढूंढने के लिए जंगलों के अंदर चला गया। सबने उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। काफ़ी देर तक जब वो वापस लौट कर नहीं आया तो कैथी और सारे दोस्त काफ़ी परेशान होने लगे, इसलिए वो लोग भी उसको ढूंढने के लिए जंगलों के थोड़ा अंदर जाने लगे। लेकिन वो लोग रुक गए क्योंकि वो जंगल अंदर से काफ़ी ज़्यादा घना था। कैथी को अपने भाई की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसको ढूंढना चाह रही थी। कैथी के दोस्तों ने बताया कि उसको जंगलों के अंदर से फेथ की आवाज़ आ रही थी और वो उसको मदद के लिए बुला रहा था, लेकिन उसके बाकी दोस्तों को किसी के बुलाने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो सब उसको वापस चलने के लिए बोल रहे थे लेकिन वो वहीं पर ही खड़ी होकर फेथ का इंतज़ार कर रही थी। उसके सारे दोस्त भागते हुए हमारे पास आए और उन्होंने हमको फेथ के गायब हो जाने के बारे में बताया। हम सब भागते हुए दोबारा उसी जगह पे गए जहाँ पर उसके दोस्तों ने कैथी को छोड़ा था, लेकिन अब कैथी भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो शायद जंगलों के अंदर चली गई थी। हम सब बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे थे और हमने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं मिले। फिर मैंने और तुम्हारे अंकल ने घर के बाकी लोगों को और बच्चों को वापस घर जाने के लिए बोला और मैं, तुम्हारे पापा और तुम्हारे अंकल उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले गए। फेथ और लीजा को ढूंढते हुए हम लोगों को शाम हो गई थी और तुम्हारे पापा और मैं जंगल में काफ़ी अंदर तक आ गए थे और वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तभी तुम्हारे पापा को जंगल में फेथ की आवाज़ सुनाई दी जो कि मदद के लिए बुला रहा था, लेकिन वो आवाज़ बहुत ही शांत थी, जैसे कोई जानबूझकर हमको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा हो। और मुझको कैथी की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों आवाज़ जंगल के अलग अलग डायरेक्शन से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हम लोग को अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हो। हम सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे पापा जिस तरफ जा रहे थे वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे उनको बस आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो नहीं रुके। तभी तुम्हारे अंकल भी हम लोग के पीछे आ गए। उनको भी कोई भी नहीं मिला और उन्होंने तुम्हारे पापा को दूसरी तरफ जाते हुए देखा। मुझे लीजा की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। तुम्हारे पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इसलिए शायद वो चीज़ उनके इमोशन का फ़ायदा उठा रही थी। तुम्हारे पापा उस आवाज़ की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे और मैंने और तुम्हारे अंकल ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जैसे भ्रमित हो चुके थे और रुक भी नहीं रहे थे। तुम्हारे पापा जिस तरफ जा रहे थे मैंने देखा कि वहाँ पर कोई था, कोई बैठा हुआ था। वो कोई इंसान था या बंदर मुझे ये नहीं पता, लेकिन उसकी लाल आँखें और वो चीज़ मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई आदमी है या कोई छोटा सा जानवर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमें उससे डर लग रहा था। तुम्हारे पापा बस उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे, तभी तुम्हारे अंकल ने उस चीज़ की तरफ गोली चला दी। शायद वो उसको लगी भी और वो वहाँ से तुरंत ही जंगलों की तरफ गया और गायब हो गया। गोली चलाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि तुम्हारे पापा तुरंत होश में आ गए और काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। हम सब बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान थे। हम सब उसी वक्त भागते हुए जंगल से बाहर आए। तब तक घर के बाकी सदस्य पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर चुके थे। पुलिस वालों ने कुछ फॉरेस्ट रेंजर के साथ जंगल के अंदर छानबीन की लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। फेथ और कैथी का कुछ भी पता नहीं चला। कई लोगों ने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो दोनों नहीं मिले। तुम्हारे पिताजी भी काफ़ी दिनों तक परेशान थे और शौक थे। उनसे वो हादसा और अपने बच्चों के खो जाने का गम भुलाया नहीं जा रहा था। वो हमेशा सोचते थे कि आखिर वो चीज़ थी क्या जो उनको अपनी तरफ खींच रही थी, और फेथ और कैथी आखिरकार गए कहाँ। हम सब ने ये मान लिया था कि वो दोनों अब नहीं रहे और उस अजीब सी परछाई ने उन दोनों को मार दिया,
लेकिन तुम्हारे पापा को इस चीज़ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनको यही लगता था कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। करीब 2 साल तक उन्होंने फेथ और कैथी को जंगलों के पास और अंदर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। जहाँ पर हमारी ज़मीन थी, तुम्हारे पापा ने इसी जंगलों के पास एक घर बना लिया और हम सब यहीं आके बस गए। उन्होंने ये घर इसलिए बनाया था क्योंकि वो लोग यहीं से गायब हुए थे और शायद जब कभी भी वो आए तो उनको घर ढूंढने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। 2 साल तक हुई छानबीन के बाद भी उन दोनों का कुछ नहीं पता चला। उसके बाद उन दोनों को ढूंढना भी बंद कर दिया गया और तुम्हारे पापा आज तक उस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं और ना ही तुमको इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि उनको ये सब दोबारा याद नहीं करना है। जब मेरे दादाजी ने ये सारी बातें मुझको बताई तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि मैंने जिस चीज़ को देखा था वो कोई और नहीं, वही भूत या पिशाच था जो मेरे भाई बहनों के गायब होने का जिम्मेदार था। उन दोनों के गायब होने के 3 साल बाद वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो एरिया अपने अंडर ले लिया और पूरे जंगलों के आउटर साइड में मिलिट्री वालों की मदद से एक लकड़ी की दीवार खड़ी कर दी और जंगल को हर तरफ से बंद कर दिया। और अब उस जंगल के चारों तरफ लोहे के बड़े बड़े तार भी हैं जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता है और उसके अंदर किसी का भी जाना मना है। और वो चीज़ जो भी है आज भी उस जंगल के अंदर है और वो कभी बाहर नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी 3 घटनाएं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दूसरी घटना से रिलेटेड फोटोज़ देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके उस फोटोज़ को ज़रूर देख सकते हैं। और अगर किसी वजह से मैं उन फोटोज़ को अपलोड नहीं कर पाया तो आप मुझे वो मैसेज करके भी फोटोज़ ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।